वेलकम एवरीवन माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर यूनिट पहले का पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 11th बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। पहला लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, और जो पहला वीडियो कर मान लो ना दिखाओ, वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक क्लिक करें और पहला वीडियो देखें। एंड सेकेंड वीडियो जो द लिविंग वर्ल्ड का है, ये आज हम लोग आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। एंड आज हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और पांच कैरेक्टरिस्टिक्स से किस में कुछ, और उसमें से कितने मतलब नॉन डिफाइन थे, कितने डिफाइन थे। उसमें से हम लोग ग्रोथ पढ़े थे, और कॉन्शियसनेस पढ़े थे, मेटाबोलिज्म पढ़े थे, रीजनरेशन पढ़े थे, और रिप्रोडक्शन पढ़े थे। दोस्तों, ये पाँचों कैरेक्टरिस्टिक पहले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। कौन से चैप्टर का? चैप्टर फर्स्ट, 11th बायोलॉजी का। और दोस्तों, आज का वीडियो ये सेकेंड लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड का, और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सेल्फ रेप्लिकेशन। तो जो उनका पहला प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इंटरेक्शन, मतलब कि वो इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन कैसे करते हैं। और थर्ड है रेगुलेशन, फोर्थ है इवोल्यूशन, एंड लास्ट है स्टिमुलेशन। दोस्तों, ये जो पांचों के क्या बोलते हैं, पांचों प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, इसको कैसे मतलब एक ट्रिक दिया याद करने के लिए सीरीज। यस फोर क्या हो जाएगा? सेल्फ रेप्लिकेशन। ई फोर क्या होगा? इसको आई समझ लेना, सीरीज का क्या करना आई समझ लेना। ई फोर इंटरेक्शन समझ लेना, इंटरेक्शन। और आर फोर रेगुलेशन, और आई फोर इवोल्यूशन, एंड यस फोर स्टिमुलेशन, मतलब आई को कट कर देना। मतलब एक आप लोगों को मैं ट्रिक दे रहा हूँ, मतलब ये पांच क्या है अपने प्रॉपर्टी किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है इंटरनल बॉडी में, इनसाइड बॉडी में। इंटरेक्शन, अगर मान लो कि बाहर का इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया तो इंटरेक्ट करेगा। रेगुलेटर, रेगुलेशन मतलब मान लो कोई भी चीज बॉडी में बन रही है, अगर मान लो ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, कम भी नहीं बनना चाहिए, उसको रेगुलेट करेगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब चेंजेस क्या थे। स्टिमुलेशन लास्ट होता है, कौन सा? स्टिमुलेशन। तो ये क्या है, पांच प्रॉपर्टी किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। एंड अब देखेंगे हम लोग क्या डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, जो हमने प्रॉपर्टी की बात की, मतलब फर्स्ट लेक्चर का था, मैंने मिस कर दिया, तो ये अपने जो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, देखे प्रॉपर्टी आपको। और ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो अभी देखते हैं, जो अपना वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड पे कितने मतलब ब्यूटीफुल नेचर है अपने, तो उस पर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत थे। नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अभी मान लो एनिमल हो गए, ह्यूमन हो गए, लिविंग हो गए, बैक्टीरिया हो गए, एक्वेटिक एनिमल हो गए, फाइटोप्लांकटन हो गए, ये सब पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, स्पेसीज है। किस पे? वर्ल्ड पे। तो पूरे कितने स्पेसीज हैं देखते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ स्पेसीज रेंज 1.7 to 1.8 मिलियन, समझे, मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो कितने हैं? 1.7 मिलियन to 1.8 मिलियन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे प्रेजेंट है? अर्थ पे। इतने इतने डिफरेंस के वेरायटी, 1.7 to 1.8 मिलियन। एंड सेकेंड देखते हैं दोस्तों कि जब इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अपने इन क्या बोलते हैं वर्ल्ड पे प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको कुछ नाम देंगे, तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे ना। क्योंकि मान लो सबको तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा। अभी कंसिडर कर लो कि आपको कोई भी देता हूँ मैं कि जाओ कि पर्टिकुलर एरिया में इस प्लांट को आइडेंटिफाई करके आओ। आइडेंटिफाई मतलब कि लेके आओ। जब उसका कोई नाम दिया रहे, कोई लोकल नेम रहता है, कोई निकनेम रहता है, तो आप जाके फटाक से लेके आओगे ना। तो बट हम तो मान लो अगर इंडिया में रहते हैं, इंडिया में अपने लोकल नाम से आइडेंटिफाई कर ले। अगर मान लो कोई फॉरेन कंट्री वाला रहेगा, उसको वही लोकल नाम बोलेंगे तो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ पर्टिकुलर नेम उसके लिए है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है? लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म मै नॉट बी अप्लाई एट ग्लोबल लेवल। देखो, जो लोकल लेवल है, लोकल नेम है, वो ग्लोबल लेवल पे मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बराबर, कि ग्लोबल लेवल इसको अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर क्या बोलते हैं, हर कंट्री में अलग अलग नाम से उसको बोले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि मतलब कि पूरा वर्ल्ड उसको एक ही मतलब नाम से बोले। तो नेक्स्ट देखते हैं। सो नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम आर इज डन एज पर गिवन टू ऑर्गेनिज्म क्राइटेरिया। बराबर, कि मतलब उसको क्या किया, एक मतलब साइंटिफिक नाम दिया गया पूरे, मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन को साइंटिफिक नाम दिया, और एक ग्लोबल लेवल का रहेगा। इस मतलब कोई भी कंट्री में बोलोगे, ये सब इसको आइडेंटिफाई आराम से कर लेंगे। बराबर, ये मान लो कि अगर मैं फॉरेन कंट्री में जाके पर्टिकुलर मान लो कि जैसे मैंगो का पेड़ है,
अगर मैंगो बोलूंगा तो मतलब कुछ लोग समझ जाएंगे, लेकिन उसको साइंटिफिक नाम जब मैजीफेरा इंडिका बोलूंगा, जो पढ़े लिखे रहेंगे इजली समझ जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे रख दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, साइंटिफिक नाम सबका सेम होता है, मतलब कि जो अभी आप लोग को क्या बोला मैंने, कि जो लिविंग वर्ल्ड मतलब कि अर्थ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसीज हैं, तो उसमें दोस्तों कुछ एनिमल भी है और कुछ प्लांट है। तो प्लांट के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है और एनिमल के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। तो ये देखते हैं क्राइटेरिया किस पे ऊपर दिया गया है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है कि नामकरण, किसको, बोटेनिकल मतलब बोटनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बोटनी में सिंपल बात कौन आता है, प्लांट आते हैं। और सेकंड इज ICZN, ICZN में मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो NCERT के बुक में मतलब 4 दिया है, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो वहाँ पे 4 नहीं मतलब ऑफ लगाना चाहिए, क्योंकि जो इस बार जो नीट की पेपर चेकआउट हुई है, ऑफ में जो था उसको मतलब पॉइंट मिला है, और जो 4 मतलब टिक किया उसको नेगेटिव मार्किंग मिली है। हाँ, तो जो ICBN है किसके लिए कोड करता है, ये बोटेनिकल मतलब प्लांट को मतलब साइंटिफिक नेम देने के लिए, और जो ICZN है वो जूलॉजिकल मतलब एनिमल को मतलब नाम देने के लिए साइंटिफिक। तो हम लोग आगे चलते हैं, तो देखते हैं टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी पहले क्या करेंगे हम लोग, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे किसके लिए, साइंटिफिक नाम देने के लिए। तो टेक्सोनॉमी हम लोग क्या करेंगे, पहले जब मान लो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग को नाम देना है, बराबर। तो देखो कोई कोई आम की, आपको बात करता हूँ, मैंगो की वेरायटी, सब मैंगो का साइज एक जैसा नहीं रहता है, कोई ब्रॉड रहता है कोई नैरो रहता है, सबको डिफरेंट डिफरेंट नाम नहीं देना है, सिर्फ एक नाम देना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या होता है कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर स्पेसीज ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब क्या बोलते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल और प्रोसीजर लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी जो करे हैं कि कितने मतलब टेक्सोनॉमी लगते हैं, पहले तो हम लोग को क्या बोलते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को देखना पड़ेगा, पहले उसको अच्छे से देखेंगे, सबसे उसको मैच करेंगे, देखेंगे कि सबसे मैच हो रहा है कि नहीं, फिर पर्टिकुलर उसका हम लोग नाम देंगे, नाम दे के बाद हम लोग पर्टिकुलर उसके कलेक्ट मतलब ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप डालने के बाद उसको पर्टिकुलर अच्छे से नाम देके उसको आइडेंटिफाई सब कोई भी मतलब कर सकता है। तो दोस्तों पहला क्या है अपना टेक्सोनॉमी, मतलब क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब कि जो टेक्सोनॉमी मतलब क्या, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब स्टडी करते हैं उसके लिए जो भी प्रिंसिपल और प्रोसीजर लगते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, किसी पर फाइंड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज। तो पर्टिकुलर जब भी हम लोग इन्वायरमेंट में जाएंगे तो पहले हम लोग उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, बराबर। हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर नाम दे देंगे, फिर उसको क्लासीफाई करके एफिनिटी कर देंगे। तो क्लासीफाई करेंगे, एफिनिटी मतलब क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप स्टडी। क्या, इंटर रिलेशनशिप स्टडी, एफिनिटी का मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप स्टडी, इंटर रिलेशन शिप स्टडी। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उसमें मतलब क्या होता है, वेरायटी मतलब दिखती है लेकिन उनका रिलेशनशिप सेम रहता है, तो उनको मतलब एक ही ग्रुप में रखा जाता है। जैसे मान लो कि कैट हो गया, लियोपर्ड हो गया और टाइगर हो गया, ये सब पर्टिकुलर कॉमन मतलब कॉमन ग्रुप में इनको रखा जाता है। तो दोस्तों पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा क्या था, नोमेनक्लेचर, फिन क्लासिफिकेशन एंड लास्ट इट एफिनिटीज। अब देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं, तो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, क्या बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कर्लियस नीनियस। मतलब जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिकल नाम मतलब किसके दिए, उन्होंने पहले देना शुरू किया था, कर्लियस नीनियस ने बायोलॉजिकल नेम दिया। और उन्होंने मतलब कुछ बुक को डिस्कवर किया था, मतलब लिखे थे जो एनिमल है, जो एनिमल का जो बायोलॉजिकल नेम दिया था उसके लिए बुक का नाम क्या था, सिस्टमा नेचर। एंड जो प्लांट का क्या था, स्पेसिस प्लांटरम, पब्लिश ऑन 1 मई 1753। मतलब 1753 को उन्होंने जो प्लांट का स्पेसिस मतलब नामकरण दिए थे उसके लिए ये बुक है, और जो एनिमल है उसके लिए ये बुक है, बराबर। तो उन्होंने ये भी बताया था कि मतलब जो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग साइंटिफिक नाम रखेंगे उसके लिए कुछ मतलब क्राइटेरिया रहेगा, जो भी मान लो कि फर्स्ट जो उसका पहला नाम रहेगा वो जीनस रहेगा, सेकंड क्या रहेगा, स्पेसिस रहेगा। जो जीनस रहेगा और स्पेसिस रहेगा, जो जीनस का नाम रहेगा जो पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल में, इसके बाद सब स्मॉल में। और जो स्पेसिस रहेगा, स्पेसिस का पहला लेटर स्मॉल में रहेगा, और दोनों को अंडरलाइन
करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो स्पेसिस और जीनस है उनका ज़्यादा ज़्यादा 3 to 14 लेटर में नाम आना चाहिए, 3 to 14 लेटर में नाम आना चाहिए। किसने बताया था? कार्लस नीनेस ने। अब लोग चलते हैं आगे। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो टेक्सोनोमी के लिए, जब हम अभी हम लोग प्रीवियस में क्या बात किया, टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पूरी, क्योंकि 1.7 million to 1.8 million है, बराबर। तो सिंपल से बात है कि हम लोग एनिमल को अलग क्लास, जब कह रहे उन्होंने बुक दिया था कि एनिमल का अलग है प्लांट का अलग है, बराबर। सिंपल से बात है 1.7 में हम लोग भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं और कौन आता है, प्लांट भी आते हैं। सिंपल से बात है, प्लांट को अलग कर देंगे और जूलॉजी क्या बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्ट को अलग कर, जो प्लांट को अलग करेंगे उसमें बोटेनिकल में डाल देंगे और जो एनिमल रहेंगे उसको जूलॉजिकल में, मतलब हाफ थ्योरी हो गया। अब उसमें से किसका किसका क्राइटेरिया सेम है, किसका किसका आइडेंटिफिकेशन सेम है, उसको फिर अलग अलग करेंगे। तो टेक्सोनॉमिक एक अलग अलग कैटेगरी डालना है ना, तब आता है कौन, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ईच टर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, मतलब ईच टर्म, मतलब सबको हम लोग को पढ़ना है, बराबर। पहला किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और यहाँ पे आएगा स्पेसिस, और उसके यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिस आएगा। पहला क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मान लो कोई भी एक घर होता है, बराबर, घर में क्या होता है, पहले तो एक मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, वो मेल फीमेल रहेंगे तो पर्टिकुलर एक मेल फीमेल का नाम रहेगा, बराबर। तो मेल फीमेल को एक, मतलब क्या करते हैं हम लोग, उनका एक सरनेम रहता है, क्या रहता है, सरनेम। तो सरनेम क्या हो गया उनका, मान लो स्पेसिस हो गया, और दोनों क्या हो गए, जीनस हो गया। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर मान लो कि जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनमें क्या होता है, एक फैमिली बन जाती है, क्या होता है, फैमिली बन जाती है। फैमिली की बात बनते बनते मान लो धीरे धीरे फैमिली मतलब और बढ़ जाती है पर्टिकुलर एक ऑर्डर में और क्लास में, हाँ, और धीरे धीरे मान लो कि जो रूम होगा वहाँ पे रूम इंक्रीज हो जाएगा और पर्टिकुलर वहाँ पे एक कॉलोनी बन जाती है। तो एक पर्टिकुलर से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब कैटेगरिकल है। तो अभी हम जो बायोलॉजिकल रूल से जाते हैं, तो पहले क्या रहेगा, स्पेसिस रहेगा, क्या, स्पेसिस, स्पेसिस रहेगा, स्पेसिस बाद क्या बनेगा, जीनस। तो दोस्तों स्पेसिस क्या होता है, स्पेसिस बहुत होते हैं, स्पेसिस मतलब कि हम लोग क्या है? हम लोग भी स्पेसिस हैं और प्लांट भी स्पेसिस हैं। तो सिंपल से बात है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस अपने वर्ल्ड पे है। तो जो स्पेसिस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे हाई कौन सी है, स्पेसिस, और टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और सब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे लो ये है और सबसे बड़ी ये है, बराबर, बड़ी ये है और हाई स्मॉल ये है, सॉरी बड़ी ये किंगडम, किंगडम सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और स्पेसिस सबसे स्मॉल कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जो स्पेसिस होता है उसको क्या होता है, मतलब ये सब सिंपल सी बात है, आपको क्या बताया, इट इज ए स्मॉल, क्या, इट इज स्मॉल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टीसील के बराबर। और क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, इसमें मतलब कि जो भी ग्रुप रहेंगे उसमें मतलब लोग उसका मोर्फोलॉजिकल देख के एफर्ट, मतलब कि सबका आउट ऑफ मतलब आउटर पार्ट देख के एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देंगे, बराबर। जैसे मान लो कि लायन को डाल देंगे, लियोपर्ड को डाल देंगे, कैट को डाल देंगे, क्योंकि इनका मतलब जो करो इंटरनल क्या बोलते हैं एक्सटर्नल पार्ट है सेम दिखता है, बराबर। फिर इनको क्या पर्टिकुलर जीनस का हम लोग नाम दे देंगे। तो जीनस क्या होता है, तो जीनस जस्ट इसका मतलब ये पूरा ग्रुप हो गया, इस पर्टिकुलर का मतलब मान लो 10 लोग रहेंगे, 10 लोग का एक नाम देना पड़ जाएगा हम लोग। तो जीनस क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस, क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसिस होंगे। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, जब ये हम लोग इस ग्रुप में डाल रहे हैं सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए, बराबर। अब जब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहेगा तो इनको हम लोग क्या करेंगे, फैमिली में हम लोग डाल देंगे। तो फैमिली क्या जानता है, जब हम लोग इसमें ये स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज इट इज स्मॉल मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और कॉमन कैरेक्टर्स रहना चाहिए। तो जीनस क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, मतलब ये इसमें आ गया। अब तो सेम वाइस वर्सा, ऐसा मतलब वाइस वर्सा नहीं सॉरी सेम ये सब होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ
रिलेटेड फैमिली, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, वैसे मतलब ये हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। यहाँ पे डिवीजन बोल जाएगा, क्या होता है यहाँ पे डिवीजन। अभी डिवीजन किस में शो करता है, डिवीजन प्लांट में शो करते हैं हम लोग, फाइलम है सॉरी, ये क्या प्लांट में आ जाएगा और ये एनिमल में आ जाएगा डिवीजन। हाँ दोस्तों, जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है हम लोग कॉमन मतलब पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर देंगे, फिर स्टिमुलेशन करेंगे, बराबर। तो जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है, इसमें जो भी पर्टिकुलर टेक्सोनॉमी कैटेगरी है, तो क्या होगा, ईच टर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म ऑफ कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब सबको हम लोग को आइडेंटिफाई मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, जो भी पर्टिकुलर साइंटिस्ट रहेगा, जो स्पेसिस रहेगा तो स्पेसिस में क्या सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहना चाहिए, जब सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा तो उनको एक पर्टिकुलर जीनस दे दिया जाता है, बराबर, उनको जीनस दे दिया जाए। जब उनका एक जीनस आ जाएगा तब बहुत डिफरेंट डिफरेंट आएंगे जीनस, तो उस जीनस को क्या करेंगे, फैमिली में लोग डाल देंगे, तब डिफरेंट डिफरेंट फैमिली को एक ऑर्डर दे देंगे, बराबर। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर को पर्टिकुलर क्लास में डाल दिया जाता है, क्या इसमें क्लास में बांट दिया जाता है, और उसमें फिर फाइलम में, और किंगडम मतलब क्या हो जाएगा, एक मतलब महान मतलब एक क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैमिली। जैसे मान लो कि प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, तो प्लांट किंगडम में पूरे प्लांट आ जाएंगे, बराबर। तो सबसे बड़ी बिग कैटेगरी कौन सी होगी, जाएगी ये किंगडम क्या हो गया, सबसे बड़ी कैटेगरी होगी, और स्पीशीज क्या हो गया, सबसे स्मॉल टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। दोस्तों आज के वीडियो में सीखने ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, हेरबेरियम क्या होता है, बोटेनिकल क्या होता है, और बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं, म्यूजियम क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब थोड़ा बोरिंग चैप्टर जरूर है, और की मतलब क्या उसके लिए है, पर्टिकुलर की मतलब कैसे कैसे हम लोग जानेंगे उसके बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।